हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से कई क्वेश्चन तो आपने अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स, टेस्ट और प्री बोर्ड्स में देखे ही होंगे। ओके, तो हमने इस वीडियो में पिछले 10 ईयर्स के एनालिसिस करके हमने कुछ टॉपिक और कंसेप्ट सेलेक्ट किए हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। ओके, बार बार उनका रिपीटेशन होता है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और एक बात, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, चाहे प्लेबैक स्पीड ज्यादा कर सकते हैं बिकॉज ये चैप्टर भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कर्व दिया हुआ है। देखिए, इस तरीके के कर्व इसके अंदर हमेशा पूछे ही जाते हैं, और इसके बाद हम कुछ और कर्व्स की बात करेंगे जो कि जिस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं अक्सर इस चैप्टर से। ओके, तो देखिए, इसमें जो कर्व है, फर्स्ट कर्व है जो 2013 के अंदर आया था, फोटोइलेक्ट्रिक करंट आई, ये गिवन है अपने पास, और इसमें कर्व दिए हुए। देखिए, एक, फिर ये थर्ड कर्व, ये फिर सेकंड कर्व एंड ये फिर फोर्थ कर्व, इस तरीके से चार कर्व्स गिवन है। ओके, तो इसमें हमें बताना ये है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे पेयर्स ऑफ कर्व्स को जो कि कर्व्स दैट कॉरेस्पोंडेंस टू डिफरेंट मटेरियल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के हों बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बल्कि जब दोनों की इंटेंसिटीज जो हों वो लेकिन सेम हो, तो हमें ऐसे पेयर्स इनमें ढूंढने हैं। तो देखिए, इस फर्स्ट कर्व और ये जो हमारे पास ये जो सेकेंड कर्व बन रहा है इस तरीके से, है ना, इसका यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये इस जगह पर सेम आ रहा है। ओके, और जो हमारे पास ये थर्ड कर्व बन रहा है और ये जो फोर्थ कर्व है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास सेम आ रहा है। ओके, तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए कि इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। अब देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल चीज होती है कि वो ऐसा पोटेंशियल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर दे, यानी कि ऐसा रिवर्स पोटेंशियल हमको देना पड़ता है या रिटार्डिंग पोटेंशियल हमको देना पड़ता है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से जो गुजर रही होती है उसको वो स्टॉप कर दे। तो ऐसे पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए, जो वन एंड टू जो कर्व है सिमिलर मटेरियल्स के हैं, एंड जो थ्री एंड फोर कर्व है वो सभी सिमिलर मटेरियल्स के होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो क्या है? सेम आ रहा है। ओके, तो ये दोनों सिमिलर मटेरियल्स के बने हुए हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो वन एंड टू ये वाला पेयर एंड थ्री एंड फोर ये वाला पेयर, ओके, आर द सेम, मतलब इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम। इसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट सेम है और इसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट सेम है। ओके, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और कोई भी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसके लिए इसकी, इनका जो अपने अपने पास आ रहा है वो सेम है। फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। देखिए, इसके पूरे के बाद मैं कंक्लूजन भी निकालूंगा, उस कंक्लूजन में मैं ये आपको ये बताऊंगा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड ही नहीं करती इंटेंसिटी पर। ठीक है, इंटेंसिटी पर कोई भी उसका डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, तो जो हमारे पास पेयर्स होंगे वन एंड थ्री, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ओके, एंड टू एंड फोर ये वाला पेयर जो सेम यहां से स्टार्ट हो रहा है और जो सेम यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, कोरेस्पोंडेंस टू डिफरेंट मटेरियल्स, ये दोनों के दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के हैं क्योंकि इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है। ओके, कौन कौन से? ये देखिए, ये वाला सेम मटेरियल, ये वाले सेम मटेरियल, बट वन एंड थ्री ये वाला पेयर एंड टू एंड फोर ये वाला पेयर, ओके, कोरेस्पोंड टू डिफरेंट मटेरियल्स बट सेम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और इनकी जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि यहां से पास आउट हो रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं। ओके, तो इनकी ये जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के हैं बट इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो सेम रहेगी। ओके, तो ये कर्व था, इसके अंदर आप एक बार वापस मैं रिविजन कर देता हूं इस चीज के अंदर कि देखिए, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा इन दोनों का सेम होगा, यानी कि ये सेम मटेरियल के हैं वन एंड टू, और थ्री एंड फोर जो हैं वो भी सेम मटेरियल के हैं क्योंकि इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी है इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वन एंड थ्री ये दोनों सेम इंटेंसिटी पर होंगे और टू एंड फोर ये दोनों सेम इंटेंसिटी पर होंगे।
ओके, तो ये था इस कर्व का एनालिसिस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कर्व के एनालिसिस पर, जो कि इस तरीके से कुछ है। इसमें आपको आई वन इंटेंसिटी पर इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट और जो इधर अपना वी वोल्टेज होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके अंदर आपको कर्व दे रखा है। अब इसके अंदर देखते हैं कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डील करना है। ओके, तो यहां पर जो इंटेंसिटी दे रखी है आई वन, इसकी दे रखी है सी, है ना, ये सी कर्व है, ये आई वन इंटेंसिटी पर है, ये आई टू इंटेंसिटी पर है, ये बी है, और ये आई थ्री इंटेंसिटी पर, ये ए कर्व है। देखिए ये सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं और ये अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें से बेसिकली पूछा क्या गया था, 2009 में आया था ये क्वेश्चन। ओके, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा ये गया था, पॉइंट आउट द टू कर्व्स फॉर विच द इंसिडेंट रेडिएशन हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। ठीक है, हमें वो चीज बतानी थी, ऐसे दो कर्व बताने थे जिनमें की इंसिडेंट रेडिएशन हैव सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, क्या हो, फ्रीक्वेंसीज जो हो वो सेम हो। ओके, बट हमारे पास जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, इंटेंसिटी जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट इंटेंसिटी का होना चाहिए। ओके, तो ये चीज हमसे पूछी गई थी। अब देखते हैं, बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए आई टू और आई थ्री सेम पोटेंशियल, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है इनका। देखिए जब सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है एक्चुअल में वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। ओके, क्योंकि आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट, इसको ई वी नॉट लिख देते हैं अपन, फिर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, जो कि म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या है, वर्क फंक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका, ये तो ई कॉन्स्टेंट है, एच कॉन्स्टेंट है, ये एच कॉन्स्टेंट है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एक्चुअल में डिपेंड किस पर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। अब यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ही अगर सेम हो गया तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज सेम है तो इनकी इंटेंसिटीज क्या हो जाएंगी, अलग अलग। और एक चीज और, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो इंटेंसिटी होती है वो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो ये अलग अलग इंटेंसिटी होगी इनकी, और फोटो जो इनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग इंटेंसिटी होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी बिकॉज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए आपका टाइम बचे इसके लिए मैंने ये क्वेश्चंस थोड़े पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे। ओके, तो थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन क्या करें, अब थोड़ा जल्दी से हो जाए आपका अभी। ओके, तो इसलिए ये देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या चीज दे रखी है कि मेटल ए है और इसमें मेटल बी है। अब ए का जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से है, है ना, और सॉरी बी का जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से है और ए का जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से है। अब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी दे रखी है म्यू नॉट डैश। ओके, ये वाली फ्रीक्वेंसी दे रखी है म्यू नॉट डैश। अब म्यू नॉट डैश फ्रीक्वेंसी दे दी और इसकी म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी दे दी, और ये म्यू नॉट क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज है। ओके, और इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दे रखा है डब्ल्यू नॉट बाय ई और इसका डब्ल्यू नॉट डैश बाय ई। ओके, तो ये देखिए ये क्वेश्चंस कब रिपीट हुए, 2014 एंड 9 के अंदर, दोनों के अंदर, और कई बार पूछे गए हैं, आपने भी देखे भी होंगे ये क्वेश्चंस कई बार। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, विच वन ऑफ दी टू हैज हायर वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन। देखिए इसके अंदर पूछा है कि हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन किसका होगा, तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से देंगे। देखिए यहाँ पर मेटल ए जो है उसका इंटरसेप्ट की लेंथ क्या है, ये वाली इतनी बड़ी, और जो मेटल बी है उसकी जो इंटरसेप्ट की लेंथ क्या है, इतनी बड़ी। तो देखिए वर्क फंक्शन किसका ज्यादा हो जाएगा, जिसकी इंटरसेप्ट की लेंथ ज्यादा बड़ी है। ओके, तो इस तरीके से आप आइंस्टाइन की वो जो फोटोइलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन जो मैंने आपको ऊपर बताई उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर इजिली लिख सकते हैं। ओके, तो आपको करना बस इतना सा है कि जो वी नॉट था वो कितना आ जाएगा, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ओके, तो इसका कंपेयर कर लो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब ये जो स्लोप है वो कितना है, एच बाय ई। ओके, ये स्लोप है, एम है आपके पास स्लोप, ये वाला स्लोप। ओके, तो इस तरीके से आप कंपेयर करके आप जो इंटरसेप्ट है वो जिसका ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो इस तरीके से आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द
टू मेटल्स हैज हायर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसीज। अब देखिए इसने पूछ लिया कि हायर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो ये पॉइंट ओ बोल देता हूं, ये पॉइंट ए बोल देता हूं, ए तो नहीं पी बोल देता हूं, और ये पॉइंट क्यू बोल देता हूं। अब देखिए जो हायर हायर थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, ये म्यू डॉट म्यू नॉट डैश है और इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ रही है, तो इस वाले की लेंथ क्या है, थोड़ी ज्यादा है, ओके, और इस वाले की लेंथ क्या है, थोड़ी कम है। देखिए जो आंसर होते हैं वो बहुत लॉजिकली होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अपन को क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है वहां पर। तो आराम से देखना, बिल्कुल सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर भी में समझ में आएगा। तो ये वाला देखिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, तो इसकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी और इसकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो जो मेटल हमारे पास ये है उसकी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो म्यू डैश है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेटल बी, यानी कि जो हमारे पास ओनली म्यू नॉट है, ओके। तो ये था सेकंड। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वाई स्लोप इज सेम, देखिए स्लोप सबका सेम है, आप यहां से एंगल निकाल लीजिए सेम आएगा, यहां पर एंगल निकाल लीजिए सेम आएगा, बिकॉज स्लोप किस तरीके से दे रहे हैं एम। देखिए अब ये एच तो कॉन्स्टेंट होता है, एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से एच की वैल्यू होती है, और ई की वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होती है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है, तो इसीलिए जो स्लोप आ रहा है वो दोनों के लिए सेम आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अब ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। आप एक चीज सोचिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पर बिलोंग करेगा मेटल ए, और मेटल बी जो होगा वो कम काइनेटिक एनर्जी पर बिलोंग करेगा, ओके। तो एक रीजनिंग और दे सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इसके लिए ज्यादा है और इसके लिए थोड़ा कम है, तो इसके लिए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके लिए थोड़ी कम काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के बीच में, यहां पर फ्रीक्वेंसीज दी हुई है म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री, ओके। ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था, विच फिजिकल पैरामीटर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, इसमें यहां पर कौन से फिजिकल पैरामीटर कॉन्स्टेंट किए गए हैं, ओके। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर क्या चीज कॉन्स्टेंट है, यहां पर फोटोइलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टेंट है। अब फोटोइलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है यानी कि इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में कर्व कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आप फोटोइलेक्ट्रिक करंट अगर कांस्टेंट कर रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, ओके। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रह जाएगी। अब न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री विच वन इज हायर, कौन सा हायर है, तो देखिए अब इसके अंदर यहाँ पे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, फिर कम, फिर उससे भी कम, तो न्यू वन की वैल्यू क्या होगी ज्यादा, फिर न्यू टू की वैल्यू ज्यादा, फिर न्यू थ्री सबसे कम। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है कंक्लूजन। देखिए जो कंक्लूजन निकलेगा इसके अंदर वो किस तरीके से कंक्लूजन निकालना है अपन को, कि देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। देखिए मैं जो ये बता रहा हूँ कंक्लूजन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लें, आपसे एक भी क्वेश्चन कर्व का गलत नहीं होगा कभी भी, ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सही बात है, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जस्ट अभी पिछले वाला क्वेश्चन देखा था, 10 सेकंड पीछे लेके वापस देख लो, ठीक है, ये वाली चीज प्रूव हो रही थी अभी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सही बात है ये भी, ओके। अब देखते हैं कुछ और ऐसे टॉपिक जिनसे कि क्वेश्चन फ्रेम होता ही है, ओके। तो देखिए एक टॉपिक है मैंने सेलेक्ट किया है बी ब्रोगली वेवलेंथ, यहां से क्वेश्चन आ ही रहा है, हर बार आ रहा है। तो देखिए इसके अंदर होता क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी पी को अपन रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने एम और एम का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके अंदर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, और अपन जानते हैं पी इक्वल टू एम वी होता है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, तो पी की वैल्यू इधर ले जाकर क्या हो जाएगी, रूट टू एम ई। अब ई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ सकता है, ओके। तो पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट टू एम ई वी। अब ये जो पी है इसको यहाँ पे पुट कर लिया, जैसे पुट किया रूट टू एम ई वी आ गया,
अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के केस में बात करूं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इसका से साफ साफ क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल, कि अगर 100 वोल्ट दिया हुआ हो या फिर मतलब एक 144 वोल्ट दिया हुआ, ये क्वेश्चन में आए हुए बता रहा हूँ, क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट। ठीक है, 100 वोल्ट बता दिया हुआ हो या 144 वोल्ट दिया हुआ हो, तो इनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी होगी, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, कब, इलेक्ट्रॉन के केस में, है ना। ओके, तो यहां से अपन को ये भी कंक्लूजन पता लग रहा है कि जो लैम्डा है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट एम के, यानी कि मास ज्यादा तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ कम, और ये कम तो ये ज्यादा। ओके, यहां से क्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, अगर 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 मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, चार्ज ज्यादा है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी, है ना, और कम चार्ज है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, लैम्डा इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, जो कि अपने देख ही रहे, अगर ज्यादा हायर पोटेंशियल है तो कम उसका वेवलेंथ आएगा, और अगर लो पोटेंशियल है तो ज्यादा वेवलेंथ आएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ये आया हुआ था करीब 2012 में भी आया था और 17 के आसपास भी आया था। ओके, तो इसके अंदर क्या पूछा है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, सेम पोटेंशियल पे हैं, वी सेम है दोनों का, अब इसके अंदर लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा में से बताना है कि किसका ज्यादा होगा। अब आप सोचिए, प्रोटॉन क्या होता है, एम पी, इसका मास एम पी मान लीजिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई, अब इसका जो मास होता है वो कितना होता है, He2 4, ऐसे लिखते हैं अपन, तो ये 4, तो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो मैं ऐसे लिख लूँ 4 MP, क्योंकि लगभग लगभग सेम होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए मास इसका ज्यादा है, मास इसका कम है, तो बताइए लैम्डा किसका ज्यादा होगा, देख लीजिए यहाँ पर रिलेशन देख लीजिए, एम किसका ज्यादा होगा, एम जिसका ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम, यानी कि लैम्डा अल्फा का जो है वेवलेंथ कम होगा, लैम्डा प्रोटोन का वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब लेस काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर देखिए √2mE था, ये काइनेटिक एनर्जी थी, तो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होती है √E। ठीक है, तो जिसका लैम्डा, अब √E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, अब जिसका लैम्डा क्या हो, कम हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो इसके अंदर जस्ट उल्टा कर लीजिए आप, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब कई सारे पार्टिकल्स दे सकते हैं, जैसे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ड्यूट्रॉन भी दे सकता है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स भी दे सकता है ना, और कई सारी चीजें दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, अल्फा पार्टिकल दे सकता है, ड्यूट्रॉन दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये चीज याद रखिए इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये फॉर्मूला याद रखिए, रख लीजिए किसी के लिए भी दिया हो, बस आपको निकाल के उसके मुंह पे मारना है। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गया, और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन वाला। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको करना क्या है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाए, ज्यादा ज्यादा मार्क्स का गए, तो सबसे पहले डायग्राम वगैरह बना के, लेवल डायग्राम वगैरह, ये वाला जो डायग्राम था इसका, इस तरीके से, है ना, मैं रफली बना रहा हूँ, इस तरीके से जो डायग्राम था वो आप इजिली बना दीजिए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, मतलब रेज फोटोन्स आ रहे थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। ठीक है, ये डायग्राम आप कंप्लीट बनाइए, इसको समझाइए, फिर आइंस्टाइन वाले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखिए। ठीक है, तो वो क्या थी आइंस्टाइन वाली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखिए वो आइंस्टाइन वाली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv² मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इक्वल टू eV0 इक्वल्स टू h μ - h μ0। ठीक है, ये पूरा की पूरी ऐसे लाइन में याद रख लीजिए। अब आप देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, तो म्यू की वैल्यू खोल लीजिएगा c/λ की फॉर्म में, तो वहां से वेवलेंथ वगैरह निकाल लीजिए, तो आप क्या है, आपको बस इस फॉर्मूले के साथ खेलना है ना, और थोड़ा सा एक्सपेंड करते जाइए, तो ये चीज पूछी जा सकती है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ से पूछा जा सकता है, और कर्व जो मैंने समझाया है ऊपर आपको, उन कर्व से तो एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो एक बार मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ सारा, तो एक बार देख लीजिए आप, देखिए कंक्लूजन आपने पढ़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो आपकी निरोधी विभव है वो डिपेंड ही नहीं करती इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे,
है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ओके तो और है ये कर्व भी अपनों ने देख लिया था है ना, ये कर्व देख लिया था कि इसमें क्या सेम है, तो इंटेंसिटी सेम है, कौन ज्यादा होगा म्यू वन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इस तरीके के क्वेश्चन करना है ना। और इसके अंदर भी अपनों ने देख लिया कि कौन सा मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है या फिर क्या स्लोप सेम क्यों है, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी ग्रेटर देन है, तो ये सब कुछ अपनों ने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये भी देख लीजिए एक बार आप, तो वही कौन कौन से पेयर सेम होंगे, ठीक है, तो और इसके अंदर इंटेंसिटी किसकी किसकी सेम होगी, ठीक है, किसकी इंटेंसिटी सेम होंगी किसकी डिफरेंट होंगी, काइनेटिक एनर्जी का वो क्या है, तो इस तरीके से आपको जो कंक्लूजन मैंने बताया था, ये कंक्लूजन जो मैंने बताया है यहाँ पर, इसको आप फॉलो कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कर उसके मामले में, तो है ना। तो ये था, तो ये चैप्टर थोड़ा सा क्विकली रिवीजन भी हो गया होगा इस चैप्टर का पूरे का, है ना। तो इसके अंदर क्या है ये आपको मैंने बता दिया। देखिए गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में जरा भी कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, कि व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए कि कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो उसका अपन डिस्कशन करेंगे, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। आपका एक कमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।